स्वागत है सबका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का में। हमारी आज की शेफ हैं मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट बन जाने वाली, बिल्कुल इजी रेसिपी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी, आलू एग की रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, पास ही में बेल आइकॉन दिखेगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसे आप बिल्कुल मिस ना करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पोटैटो यानी आलू को बिल्कुल बॉक्स में काट लिया है। इसके बाद हम ले लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ग्रीन चिलीज ले लेते हैं और इसको बीच से स्लिट कर लेंगे। इसी के साथ हम ले लेते हैं टर्मरिक यानी के हल्दी का पाउडर। साथ ही अपने तीखा खाना जितना पसंद करें उस हिसाब से रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक ले लेते हैं हम, आप अपने स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही मैं एक एग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो दो एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आलू को एक कटोरी में बिठा दिया है और उसमें दे देती हूँ पानी। पानी में आलू पूरा डूब जाना चाहिए। अब गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑन और इसी के साथ हम मसाले दे देंगे उसी वक्त। तो सबसे पहले दे देते हैं टर्मरिक पाउडर और इसके बाद रेड चिली पाउडर मैंने दे दिया है और इसी के साथ मैं दे देती हूँ थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट। और इसके बाद हम दे देते हैं हमारे स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज और ग्रीन चिलीज के साथ ही हम दे देंगे 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। तो बस इसको अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और आलू को अच्छी तरह से पक जाने देंगे। तो थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ आलू पका है कि नहीं। पक चुका है दोस्तों। तो इसके बाद एक एग को तोड़ के इसके अंदर हम दे देंगे। दोस्तों मैंने डायरेक्ट एग को इसमें के अंदर दिया है, आप चाहे तो एग को अलग से निकाल के उसके बाद भी दे सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं दिखा देती हूँ कि एग किस तरह से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इसको हिलाते हुए सारे एग को बिल्कुल स्क्रम्बल कर देना है, तोड़ देना है, ताकि पूरी सब्जी में एग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों, इस एग देने के बाद मैं दे देती हूँ मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून फिर से और इसके बाद सारे इन सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एग पूरी तरह से बॉयल हो जा रहा है। कितना अच्छा और कितना हेल्दी ये रेसिपी है दोस्तों, और बिल्कुल इजी, फटाफट 5 मिनट में बन जाएगी। डिजायर कंसिस्टेंसी में आपका ग्रेवी आ जाए तो बस गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ और बनके रेडी हो गई है मज़ेदार चटपटी, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी। दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगती हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हर संडे नई रेसिपी पाने के लिए। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।